उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव सप्ताह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजभवन में वन्य जीव सप्ताह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ ही वन विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नाटक के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया। वहीं राज्यपाल ने कार्यक्रम में लोगों से वन्य जीवों के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में योगदान की अपील की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में फॉरेस्ट गार्ड की भूमिका अहम है। फॉरेस्ट गार्ड निडर होकर काम करें और किसी प्रलोभन और दबाव में ना आए। सप्ताह ये मनाया जा रहा है 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इसमें हम अपने पर्यावरण को, अपने जो वन्य जीव हैं और इसके साथ साथ जो हमारा आज मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उन सब के प्रति चिंता भी व्यक्त की गई है और उनके लिए जागरूक कैसे हों, जागरूक करने के लिए ये एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया था। इसमें तहरी के बच्चों ने बहुत सुंदर एक नाटक की प्रस्तुति की। उसमें यही बताया कि जो वन्य जीव हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम उनसे मित्रवत रहेंगे, उनकी भी चिंता करेंगे, उनके और अपने गाँव वासियों की भी चिंता करेंगे, तो दोनों मिलके अगर इस काम को करेंगे तो हम स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और वो भी सुरक्षित रहेंगे। इसके जागरूकता के लिए ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं प्रमुख वन संरक्षक जयराज का कहना है कि वन्य जीव सप्ताह से वन्य जीवों के संरक्षण में काफी लाभ होगा, साथ ही आगे कई तरह कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे वन्य जीव हैं या वन हैं, इनका संरक्षण, इनकी सुरक्षा तभी हो सकती है कि जब हमारे साथ जनता जुड़े। बिना लोगों के सहयोग के ये काम नहीं हो सकता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव सप्ताह को मनाया जाता है पूरे देश में। हम लोगों को अपने साथ लेना चाहते हैं। इसमें कई हमारी समस्या भी हैं, काफ़ी समय उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानव वन्य जीव संघर्ष अपने आप में बड़ी चुनौती है, पर समझना ये है हमें कि दोनों को, मनुष्य को और वन्य जीवों को, वो एग्जिस्ट करना है, साथ साथ रहने की कला को समझना है और सीखना है। वन्य जीव भी हमारे सलामत रहने चाहिए और मनुष्य भी हमारे सलामत रहने चाहिए। और ये बात भी समझने वाली है कि जैव विविधता अगर रहेगी तो मनुष्य का अस्तित्व रहेगा, बायोडाइवर्सिटी अगर हमारी ख़त्म होती है तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं जगह जगह, और आज तो हमारी माननीय गवर्नर साहब हमारे साथ रही हैं, इससे हमारे प्रोग्राम और मैं समझता हूँ उसमें और रौनक आई है। आपको बता दें कि वन्य जीव सप्ताह में राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने वन विभाग के त्रैमासिक न्यूज़लेटर का अनावरण किया और इस अवसर पर वन विभाग द्वारा वर्ल्ड वॉचिंग पर एक फिल्म भी दिखाई गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।